हलका अटारी के पिंड पंडोरी लुबाणा दे विच रहिंदे एक एनआरआई परिवार जो कि पिछले 70 सालों तो इस जमीन के उत्ते रह रहा है, उन्होंने सरपंच दे वल्लों कहा गया है कि तुहाडा घर शामलड़ जमीन दे विच आउंदा है, यानी कि उन्होंने घर के दो मरले सरकारी शामलड़ दे विच ने। परिवार का कहना है कि वह इत्थे 70 सालों तो रह रहे हैं, तो किसी सरकार ने इस जमीन नू शामलड़ जमीन नहीं कहा। उन्होंने भगवंत मान सरकार तो यह मांग की है कि उन्होंने मदद की जाए। उन्होंने कहना है कि सरकार के वलों यह कहा गया सी कि जेकर किसी का घर शामलड़ जमीन दे विच आउंदा है तो उसनू तोड़िया नहीं जाएगा। परिवार हुण भगवंत मान तो मदद की अपील कर रहा है। अमृतसर तो अज की आवाज़ के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। सतराम सिंह पंडोरी लबाणा जी, मामला सर यह हो कि पांच चार घर है इतने जिन्हों में एक मेरा घर अपना भी है, मैं इन आ रही हूँ। तो इस घर के घर अद्धा मरला किस एक मरला किस पौने दो मरले है, पांच घर है। ये जरा घर साढ़े आ, मेरी उम्र जी 58 साल हो चुकी है। ये घर मेरे दादे के टाइम का है। ये जोड़े मीटर भी चल रहे हो मेरे दादे के दोवे ना चल रहे है, मीटर चल रहे 1974 दी गरदौरियाँ सब कुछ साढ़े कोल आ जो कि अं पेश ते अही मुड़ के पटीशन पाई है JDC को, JDC को पटीशन पाई है, लेकिन दखल देने वास्ते अज आए ही। उन्होंने अं कहा कि अं रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्हें चिर साढ़े को उत्तों कोई आर्डर नहीं आता, अं अपील पाई है सानू राहत दी जाए। ठीक है, DDPO ने की तुहानू आर्डर दिते, उस तो बाद मौका वारदा तो SDM साहब ने आके इत्थे मनिया लिखिया कि वाकई 1960-61 के दरम्यान दे विच इत्थे घर बने हुए है। यही साड़ी रिक्वेस्ट है, लेकिन पंचायत पहला अपने तौर पर कहती कि सानू 10 लाख रुपया दिता जाए, 7 से 10 लाख अं मानते हैं, लेकिन अं पंचायत ने कहा सानू कोई एफीडेविट एविडेंस दिता जाए ता कि जो अं कल आने वाली नवी पंचायत में दिखा सकी, ये कि अज तुहानू देईए तो कल दूसरी नू देईए। उस तो बाद पता नहीं सरपंच साहब के मन च की आया। हाँ जी, अं मिलेंगे जी, उन्होंने मिलने की कोशिश कल भी की, परसों भी की, वो एज ए हफ्ते का टाइम उन्होंने मंगया, वो गए अज कल हिमाचल साइड से निकले है। वो जो वापस आने साढ़े तो दो दूर नहीं है, 5 किलोमीटर नज़दीक है। सानू यकीन है कि सारे धारीवाल साहब नहीं साड़ी मदद करेंगे। हाँ जी, NRI का पिंड है, बुजुर्गों ने वसाया है, लेकिन तकरीबन हर घर चो 2% 1% आउट ऑफ इंडिया रहिंदा है। हाँ जी, मेरा नाम रघबीर सिंह है जी, पंडोरी लबाणा। मामला यह है जी, अं इतने जद्दी घर है साढ़े, तो अं 80 साल तो बैठे इतने साढ़े दादियाँ पड़दादियाँ तो, किसी थले दो मरले आ, किसी थले तीन मरले आ। ये हुण साढ़े थलों कढ़वाना चाहते हैं भी ये शामलाट है, जिहड़े कि साढ़े मकान बने हुए है 70-80 साल हो गए इन्हां बनिया नूं, कोठियां पईआं जिन्हां दे विच कुछ अहीं ये पुराने पेपर भी हैगे साढ़े कोल, जिहड़े अहीं रहिंदे रहे ते गरदौरी है इक, कुछ अहीं पैसे जमा कराए सी उदों पंचायत दे, ते पंचायत जिहड़ी इन्ने आ, पंचायत ने 2-3 वारी यह राह भी बनाया, पहलां इट्टां दा लग्गा सी बणिआ सीगा, मुड़ के इन्हां कंक्रीट दा बणाया, ते इह 3 वारी ते पंचायत रस्ता बणा चुकी है। जे नजायज़ सी ते पंचायत ने किस तरह बणा दित्ता, ते ये प्रशासन हुण गलत आया जी अपने लिए जाते, अं जदों चलो मनिया भी साढ़ा DDPO ने साढ़े खिलाफ़ कर दिता, अं जे डायरेक्टर साहब की कोर्ट च गए हैं, सानू हक है उपरली कोर्ट जान दा, ते अं उत्थे गए हैं, तो साड़ी सुनवाई सानू मौका दिता जाए अपना पक्ष रखन दा। परिवार पांच परिवार ने पटीशन पाई है, मंग अं करते हैं भी साड़ी तो जल्दी है, सानू तो पता ही नहीं सीगा मतलब शामलाट है जी की हैगी है, सारा पिंड इस तरह ही बनया, होर भी पिंड दे सारे पिंड दे थले जगह हैगी है, साढ़े तो भी वादे ये जदों का कि बनया पिंड उदों के इतें ही रह डे अं साढ़े दादियां पड़दादियां तो। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਛਡਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕਢਾਉਣੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਢਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੇਣ ਜੋ ਵੀ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦਾ। ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੂੰ 70-80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਅਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਆਗੂ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ DDPO ਦੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ,
ये शामलाटी पैली लैके वो शामलाटी पैली च घर होए घर पाए गए ने जथेबंद ये मांग की गई भी 15 दिन का समा दे कागजी कढ़ा के कार्रवाई वेखी जाऊगी भी जोड़े घर ढवाने वह जायज़ नहीं आ सरपंच साहब भी मनिया भी जोड़े घर ढवाने वह जायज़ मतलब नहीं सही इस करके हूँ ना मिल मिला के 15 दिन का समा ले लिया उस बाद रिकॉर्ड चेक करके उस बाद फिर जथेबंदी की मीटिंग करा भी की एक्शन लेना ये 70 साल तो परिवार इतने आ 70-80 साल तो इस जगह पर रह रहे घर बने आ कोठे माड़े मोटे कोठे बने छोटे जिमीदार आ तो ये आप जथेबंदी ने स्टैंड लिया भी घर नहीं किसी का ढाउन देना जे कोई थान की गल आ वो तब्दीली हो सकती जो कैबिनेट मंत्री धारीवाल आंदा भी किसी की छत्ती हुई आप जगह नहीं ढाउनी इस करके इन्हों आखा भी जहाँ पैसे किसी भी तरह एडजस्टमेंट होंगी है तो वह करवा दी जाएगी इस करके मतलब जेड़ा घर ढाउन के खिलाफ है जथेबंदी भी घर नहीं किसी भी गरीब किसान का ढाउन देना जी ये कानून साहब करो माफी चाहना है निशानदी तो बाद जो निशानदी दे खीते अनुसार मिनती दे उत्ते जिहड़ा रकबा आया उहदे च कुछ घर भी आ गए घर आउण तो बाद यह मुड़ के पंचायत नूं हुंदा भी निजी तौर पर ढा नहीं सकते कोर्ट केस हुंदा है कोर्ट केस डिप मुढ़ला कोर्ट केस दफा 7 दित्ता है डिप्टी डायरैक्टर कम कलैक्टर अमृतसर ने किया उन्हों का फैसला हो गया मुड़ के जी विरोधी दूजी धिर सी पंचायत दे वो डिप्टी डायरैक्टर की अपील से चल गई अपील भी इन्हों खारिज हो गई अही अज जो भी डिप्टी डायरैक्टर अपना कलैक्टर साहब वालों DDPO वालों उन्होंने छोड़ के कहते DDPO कम कलैक्टर वो हुक्मों के अनुसार दखल वारंट इशू हुई अमल च लाने वास्ते आया सी जथेबंदी किसान जथेबंदी ने भी कहा कि सानू तो ही मौका दो 15 दिन का उन्होंने अं टाइम दे रहे हैं तो जो भी अगला हुक्म होएगा उसकी बतौर मुलाजम हुक्म की पालना की ये पंडोरी वड़ैच का हिस्सा पंडोरी आबादी पंडोरी लबाणा साहब अपना नाम दस किसी पिंड का नाम हाँ जी मेरा नाम हरजीत सिंह हाँ जी सरपंच मेरी वाइफ है चलो कुछ काम जेड़े जेंट्स नू करने पैंदे बिल्कुल ये मामला की है जे मामला यही के मतलब छप्पड़ दी सफाई तो कम बढ़िया छप्पड़ दी सफाई कर लगे ही घर ने सानू सफाई करन तो रोक दिता जबकि सरकार दा आर्डर है सो उस तो मैं JCB ला के गया तो इन्होंने JCB रोक दी JCB रोकने तो बाद इन्हों को मैं आया इंसानियत के तौर पर भी इन्होंने बड़े करनैल सिंह जड़े जिंदे ही तो उदू मैं क्या मैं भाऊ जी JCB रोकती अहे JCB रोकती है साढ़े घर खतरा चलो खतरा होगा फिर इन्होंने साढ़े उल्ट पहला केस ला दिता कि सानू ना हरजीत सिंह वाइफ ऑफ बलविंदर कौर एंड सुखविंदर सिंह बलविंदर कौर वाइफ ऑफ हरजीत सिंह एंड सुखविंदर सिंह पत्नी सानू नजायज तंग करते इन्होंने जो साढ़े ते केस लाया सानू सम्मन आ गए उस संबंध के आधार पर फिर सानू अपना पक्ष रखना पैना सी बिल्कुल सो अही पक्ष रखिया के मतलब असी इस करके उस तो बाद फिर केस चलता रहा केस चलता रहा हूँ लास्ट तक अपीला दलीला करते रहे हूँ डिप्टी डायरेक्टर को भी ये अपील हार चुके हैं सो इस करके गौरमेंट के हुक्मों के तहत अज साडे ब्लाक पटवारी पंचायत अफसर कानूगो एंड साडे जिहड़े पिंड के पटवारी आ वो दखल लैन आए ही इन्होंने किसान जथेबंदियों नूं इकट्ठा करके इन्होंने धरने लवाते आ सो अगे तो इन्होंने फिर भी 15 दिन टाइम दिता आ जे ये निबड़ सकते आ तो बड़ी सोहनी निबड़ जाण सानू किसे ना कोई निजी रंजस नहीं हैगी किन्ने परिवार रह रहे आ इत्थे 5 परिवार है अही मंग यही करते हैं भी जो भी कानून तहत फैसला वो मनिया जाए कानून के तौर पर तो नहीं तो फिर प्रशासन से आइए कितने समय तो रह रहे परिवार जो ये 40 साल तो ठीक है।